हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों ये ब्लॉग रहने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा, क्योंकि ये प्यारा ब्लॉग इसलिए रहने वाला है क्योंकि हमने बहुत सालों पहले एक चीज़ सोची थी, एक मंदिर बनाने के बारे में सोचा था, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों पहले बनाई, बट उसके बाद वो चीज़ें वहीं पे स्टे होगी और आगे काम नहीं चला। बट फाइनली हमने फिर पिछले साल हमने फिर से डिस्कशन की पूरे ग्रुप के साथ कि एक मंदिर बनाया जाए। हमने पहले भी सोचा था, वो चीज़ नहीं हुई पॉसिबल, अब हम उस पर काम करेंगे। फाइनली वो दिन आ गया है, मंदिर बन के तैयार हो गया है और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, कल मूर्ति वगैरह स्थापित हो जाएगी उस मंदिर में। तो बहुत ही ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है क्योंकि ये जो मंदिर है, मतलब हर एक बंदे की मेहनत और सबने अपना छोटा छोटा योगदान दिया, अपना प्रयास किया है उस मंदिर के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब यूथ जो है गलत कामों को छोड़ के इन कामों में पड़ता है ना, कि यार एक मंदिर के लिए काम कर रहे हैं सारे, तो हमने मिलजुल कर काम किया है और मतलब बहुत ही अच्छा लगा दिल से। और जब हमने स्टार्ट किया था तो भाई हमारे दिल में ऐसा था कि यार ये मंदिर कैसे बनेगा और पैसे कहाँ से आएंगे, इतना सारा फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे, बहुत चीज़ें हमने काफ़ी सोची थी। बट एट द एंड ऐसा हुआ कि पता नहीं लगा कि वो चीज़ें कैसे होने लगी, मंदिर कैसे बनने लगा, वो चीज़ें अपने आप होने लगी ऐसा लग रहा था, क्योंकि सभी अपना छोटा छोटा योगदान तो दे रहे थे और साथ साथ में कोई जब आ रहा था कोई तो अपना योगदान दे रहा था उस मंदिर के लिए। तो भाई अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए। तो और कुछ मेमोरीज हैं इस मंदिर की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं ये चीज़ नहीं दिखा रहा कि हमने एक मंदिर बनाया और मैं आपको बताऊं कि हमने एक मंदिर बनाया, वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हमने एक प्रयास किया और वो चीज़ सफल हुई है। बस अपनी मेमोरी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, बाकी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता। तो ब्लॉग लंबा नहीं करूंगा, तो जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूं। और जो मेमोरीज हैं इस मंदिर की, जो हमने काम किया था, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी फोटो वगैरह वीडियो है हमारे पास जो हमने बनाई थी उस टाइम, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरूर देखना। तो देखा आपने उन फोटोज़ में वो जगह कैसी लग रही थी, और अब वहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर है। तो वो मंदिर कैसा लग रहा है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ कहना चाहते हो आप? आज मंदिर की स्थापना दिवस और आज भोलेनाथ की शादी, हम लड़कियों की तरफ से हैं क्योंकि माता पार्वती हमारे यहाँ की थी। बिल्कुल, तो हम बारात का स्वागत के लिए बिल्कुल 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 ये पूरा सामान लेकर जा रहे हैं अभी गाड़ी से निकाल के, मंदिर का जो भी सामान है। आई आई खीर खीर लगी बनना, खीर है ना, खीर प्रसाद चा सब कुछ। अभी बादाम बदूम काट रहे, बाकी आगे तू बाल नहीं आ जा। फौजी साहब ए भाई, बाकी छठा फौजी साहब की मुच्छा बड़ी खतरा लगे आगे बालना। 2 किलो दसिया, ये तो नहीं होनी है भाई, आधा किलो है, अद्धा किलो सूजी है। सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई लाइट का ओए 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 करंट लगा लगा ध्यान ना ध्यान ना। आप कुछ कहना चाहते हैं इस उपलक्ष्य पर हैं? क्या हैं ये क्या? तो हलवे की तैयारी यहाँ पे की जा रही है और जो खीर बन रही है वो यहाँ पे।
हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री शंभो। लाइट का प्रावधान भी हो चुका है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट का। मैं और पनीर भाई अभी जा रहे हैं आम के पत्ते लाने। हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, बड़ा टास्क है कि आम के पत्तों का टास्क, क्योंकि आम बहुत, आम की ऊंचाई बहुत है। ये नेड़े ना था, इसको दियो कदर, आम दूर ना सही कर। क्या पनीत भाई तोड़ पाएंगे? ओए होए होए हो, पनीत भाई भाई साहब बहुत बढ़िया तोड़ी ले नंबे बत रहा। ओ यंगे, ओ यंगे नहीं होंगे, तो यंगे ठीक है। ए दो, ओए धोनी धोनी ऑटोग्राफ भाई साहब। ये तू क्या कर रहा, टेस्ट मैच, अभी टेस्ट मैच खेल के आया, अभी टेस्ट मैच खेल के आया, टेस्ट मैच खेलने सीधे थे आई। एक्चुअली ना धोनी खिलाए ने ना, ते ता तू भटका रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो? हैं क्या अच्छा, तो गाइस कैसे हो आप? कुछ बोलिए, बोल हर हर महादेव, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। खीर वगैरह बनी है, कड़ाह भी बनी है, बाकी चाह रही है, चाह चढ़ाई थी यहाँ, बस बनी है। मुझे लगा पानी अली गर्म करा दे, पानी गर्म होता, जो युवा क्लब के लीडर है वो पधार चुके हैं, तो तालियों से स्वागत किया जाए। हेलो जी, हर हर महादेव। अच्छा, हमें फोटो मिल चुकी हैं, इनको हम ऐड करेंगे अपने ब्लॉग में। दोस्तों पंडित जी हमारे आ चुके हैं, पंडित भाई बनाने वाले हैं चाय, और क्योंकि काफी चाय बनाते हैं घर में भी, क्योंकि जब भी मौका मिले अपने थोड़ा सा चाय बेच के, हम भी सोच रहे हैं क्या पता आने वाले टाइम में हम प्रधानमंत्री तो नहीं, प्रधान ही बन जाए गाँव के, ड्रेस भी पहन लीजिए प्रधान वाली। तो गाँव की जिम्मेदारी ली है फौजी साहब ने। चाय बताओ कैसी बनी है? वाह यार, चाय चाय, तारीफ करो हमारी। तो पहले क्या होता है, हम क्या चीजा रोन का इतनी लगी, दिखा चहल पहल सारे हसदे मुस्कुराते चेहरे सारे। ये हमारे एक और मेंबर है ग्रुप के आ चुके हैं, तो ग्रुप के मेंबर चाय की चुस्कियां लेते हुए, चाय जैसे चाय दे बनी हो, वर्ल्ड कप इन्हें जिताया, अंडर 19 ली, अंडर 19 वाले ना। अगर
स्टार्ट हो गाना बजाने चल गया खराब है फाइनली दोस्तों पूरे विधि विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो चुकी है मंदिर की और मूर्ति स्थापित हो चुकी है मंदिर में पीछे और अभी हम घर जाने के लिए रेडी हैं। पनीत भाई बिल्कुल रेडी हैं, जो भी साफ सफाई थी वो कर दी है लड़कों ने। कैसा लगा आज का दिन, मतलब कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आनंद मिला। सुकून को और जय शंकर महाराज। और बाकी आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाय बाय, मिलते अगले वीडियो में। बाय। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।